प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेनापति कवि के बारे में चर्चा करेंगे। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिनमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनके ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, जो साहित्य में अद्वितीय है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जीवन व्रत संदिग्ध है, इनकी जानकारी भी कम प्राप्त है। कवित्त रत्नाकर के छंद के आधार पर इतना ही ज्ञात है कि ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके एक पद गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है के अनुसार ये बुलंद शहर जिले के अनूप शहर के माने जाते हैं। सेनापति मुसलमानी दरबारों में भी रह चुके थे। सेनापति के दो मुख्य ग्रंथ हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर, जिसकी रचनाएं बहुत ही अनूठी हैं। सेनापति ब्रज भाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल है। उनका परिचय देने वाला सूत्र केवल उनके द्वारा रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर है। इसके आधार पर इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित, पिता का नाम गंगाधर दीक्षित और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। गंगा तीर बसती अनूप जिन्हें पाई है से इनका अनूप शहर निवासी होना कुछ लोग स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग अनूप का अर्थ अनुपम बस्ती लगाते हैं। सेनापति के उपर्युक्त परिचय तथा उनके काव्य की प्रवृत्ति देखने से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी विद्वत्ता और भाषा अधिकार पर उन्हें गर्व भी था। अतः उनका संबंध किसी संस्कृत ज्ञान संपन्न वंश या परिवार से होना चाहिए। अभी हाल में प्रकाशित कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित ईश्वर विलास और पद्म मुक्तावली नामक ग्रंथों में एक तेलंग ब्राह्मण वंश का परिचय मिलता है, जो तेलंगाना प्रदेश से उत्तर की ओर आकर काशी में बसा। काशी से प्रयाग और प्रयाग से बांधव देश रीवा और वहां से अनूपनगर, भरतपुर, बूंदी और जयपुर स्थानों में जा बसा। इसी वंश के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण भट्ट देवर्षि ने संस्कृत के अतिरिक्त ब्रज भाषा में भी अलंकार कला निधि, श्रृंगार रस माधुरी, विदग्ध रस माधुरी जैसे सुंदर ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में इनका ब्रज भाषा पर अपूर्व अधिकार प्रकट होता है। ऐसी दशा में ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इसी देवर्षि भट्ट दीक्षितों की अनूप शहर में बसी शाखा से या तो स्वयं सेनापति का या उनके गुरु हीरामणि का संबंध रहा होगा। सेनापति और श्री कृष्ण भट्ट की शैली को देखने पर भी एक दूसरे पर पड़े प्रभाव की संभावना स्पष्ट होती है। सेनापति के दो मुख्य ग्रंथ हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनका षट ऋतु वर्णन अत्यंत सुंदर बन पड़ा है, जिसकी उपमाएं अनूठी हैं। इनका जन्म संवत 1646 के लगभग अनूप शहर में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। ये राजदरबार के संपर्क में अवश्य रहे मालूम पड़ते हैं, किंतु जीवन का उत्तरकाल संन्यास में व्यतीत किया ऐसा प्रतीत होता है। इनको राजदरबार से घृणा हो गई थी। चारी वरदान तजी पाए कमलेच्छन के, पायक मलेच्छन के कहे को कहाइए। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास और श्लेष का बड़ा चमत्कार दिखाया है। मुक्तक काव्यकारों में सेनापति का स्थान बहुत ऊंचा है।
इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों की ओर झुकाव अधिक है। इनका ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलता है। सेनापति का काव्य विदग्ध काव्य है। इनके द्वारा रचित दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, एक काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवित रत्नाकर, परंतु कवित रत्नाकर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया और यह एक प्रौढ़ काव्य है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में 97 कवित्त हैं, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 और 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76 और पंचम में 88 छंद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद हैं। इसमें अधिकांश लालित्य श्लेष युक्त छंदों का है, परंतु श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम कथा के छंद अत्युत्कृष्ट हैं। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथातथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण षट ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है। सबसे प्रधान तत्व सेनापति की भाषा शैली का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त, गतिमय एवं अर्थगर्भित है। सेनापति राम के विशेष भक्त थे। शिव तथा कृष्ण विषयक कविता लिखते हुए भी रुचि राम की ओर अधिक थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में वे वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेकर वहीं सारा जीवन व्यतीत किए। सेनापति के काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। चमत्कार प्रियता नायिका भेद के उदाहरण भी उनकी कृतियों में उपलब्ध हैं। सेनापति की भाषा शैली को देखकर ही उनके छंद बिना उनकी छाप के ही पहचाने जा सकते हैं। सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूटी पड़ती है। उनकी विलक्षण सूझ छंदों में उक्ति वैचित्र्य का रूप धारण कर प्रकट हुई है, जिससे वे मन और बुद्धि को एक साथ चमत्कृत करने वाले बन गए हैं। उनके छंद एक कुशल सेनापति के दक्ष सैनिकों की भांति पुकार कर कहते हैं कि हम सेनापति के हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।